तो अगर आप यहाँ पर Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर के अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ऑलमोस्ट द यहाँ पे डिवाइस में देखने को मिल रहा है और यूजर्स उसको यूज़ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये फीचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है अगर आप यहाँ पे म्यूज़िक को प्ले करते हैं अपने डिवाइस में यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इस फीचर के बारे में, और अगर आप जो है आपको ये फीचर अगर पसंद आता है तो ज़रूर से आप भी कमेंट में बताइएगा, बिकॉज़ ये फीचर एक ऐसा फीचर है कि आप कोई भी म्यूज़िक हो, कोई गाना के अलावा आप कोई मूवी देख रहे हो, कुछ चीज़ को आपको बैकग्राउंड में प्ले करना है, तो इसके लिए एक आपको अच्छा एक यहाँ पे फीचर मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं इसी फीचर के बारे में, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं तो फाइनली सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको YouTube को सर्च करना है, ठीक है। सबसे पहले YouTube को सर्च करना है और सिंपल इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको अपडेट कर लिया है। अब अपडेट करने के बाद देख सकते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो को सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपने ही चैनल को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ भाई, नहीं तो कॉपीराइट का बड़ा इशू आ जाता है, ठीक है। देखो भाई, मैंने एक अपना चैनल यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है। ये भी मेरा दूसरा चैनल है और इसको मैंने सर्च कर लिया है। अब भाई, इसी में एक फीचर है जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई वीडियो हम प्ले करते हैं, ठीक है भाई, मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। ये वीडियो प्ले हो गई, ठीक है। अब ये वीडियो प्ले होने के बाद मैं इसको क्वालिटी में और HD कर देता हूँ, मतलब फुल यहाँ पे HD कर देता हूँ, ठीक है। मैंने वीडियो को फुल HD पे सर्च कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण से मुझे वीडियो देखते देखते मुझे कट करना है, ठीक है। तो अब मैं कट करूँगा तो ये वीडियो पूरी तरीके से बैक हो जाएगी, मेरी वीडियो रुक जाएगी, मतलब प्ले नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मतलब जो साइड बार का ऑप्शन होता है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या आप कोई जो है यहाँ पे मूवी देख रहे हैं तो उसकी जो म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड में प्ले हो जाएगी, और वो प्ले होगी, मतलब रुकेगी नहीं, ठीक है, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। आपको कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या फिर आपको रोकने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई म्यूज़िक ही प्ले कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं यूट्यूब से डायरेक्टली, अगर आप म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं तो, ठीक है। और फिलहाल देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, मतलब इसकी वीडियो भी चल रही है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट हम उस वीडियो पर डायरेक्ट आ चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इस वीडियो पे तो ये देख सकते हैं डायरेक्ट हम इस वीडियो पे भी आ चुके हैं, और ये वीडियो देख सकते हैं आराम से इजीली जो है यहाँ पे पब्लिश हो गई है, मतलब कि पब्लिश ये ओपन भी हो गई है, ठीक है। और ये देख सकते हैं, फिर से अगर आपको करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो जाएगी, ठीक है। वेल, अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है कि कई सारे यूजर्स को हो सकता है कि ये अपडेट ना मिला हो, ठीक है। जिनको नहीं मिला है तो भाई इनके लिए एक ही चीज़ है कि भाई उनको वेट करना चाहिए, अगर उनके डिवाइस के लिए पॉसिबल होगा तो टीम वर्क करेगी, अगर नहीं होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक बार अपडेट कर लेना है, ठीक है, अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जो है आपको वेट भी करना है न्यू अपडेट्स तक का, मतलब हो सकता है कि आपको न्यू अपडेट्स फ्यूचर में मिले, उसमें शायद से कुछ जो है नया फीचर को ऐड किया जाए। तो ये एक फीचर है जो कि मुझे लगा हाँ बहुत बढ़िया फीचर है, जो कि Realme के कई सारे डिवाइस को दिया गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इस फीचर के बारे में आपको किस तरीके का फीचर लगता है और आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर रहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।